हाँ वीडियो पे क्लिक कर दिया, आप पहले सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। सभी भाइयों को नमस्ते, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि फोर्ड कंपनी अपनी फेमस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी फोर्ड इकोस्पोर्ट की फैसिलिटी पर काम कर रही है, जिसे कि कई बार इंडियन रोड्स पर टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। लेकिन आज हमारे पास कुछ इमेजेस ऐसी आई हैं जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि इकोस्पोर्ट में क्या कुछ नया चेंज किया जाएगा और क्या इसमें नया कंपनी इसमें ऑफर करेगी। सो इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए अगर बात करें इन इमेजेस की, तो देखिए यहाँ पर आप जो ये वेरिएंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस बार ये इसका टाइटेनियम वेरिएंट है और ये एकदम नए रेड कलर में नजर आ रहा है, जो कि देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। अब देखिए इकोस्पोर्ट फोर्ड कंपनी की एक ऐसी गाड़ी है जिसे कंपनी पिछले 8 सालों से लगातार बेचती आ रही है। हालांकि अब इसमें इसके सेगमेंट में काफी सारे कॉम्पिटिटर आ जाने की वजह से अब इसकी सेल्स पर काफी कुछ असर पड़ने लगा है। लेकिन कंपनी ने इसको एक अपडेट देकर इसमें एक नया वेरिएंट को भी एड ऑन किया था पिछले कुछ समय पहले, जिसका नाम ऐसी वेरिएंट यानी कि सिग्नेचर एडिशन वेरिएंट रखा गया था, जिसमें कि इसके स्पेयर व्हील को रिमूव कर दिया गया। हालांकि वो वाला वेरिएंट काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आया, पर्सनली मुझे तो पसंद बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि फोर्ड इकोस्पोर्ट जाने ही अपने स्पेयर व्हील की वजह से जाती है। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे तो इकोस्पोर्ट आज भी एक वैल्यू फॉर मनी एसयूवी है, जो कि काफी अच्छी बिल्ड और सेफ्टी के साथ आती है। खैर बात करें इसके डिजाइन चेंजेस की, तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसमें एकदम नई ग्रिल दी गई है, जिस पर कि हल्के हल्के क्रोम इंसर्ट्स भी हैं और सेंटर में फोर्ड का लोगो भी दिया हुआ है और ग्रिल के चारों तरफ इसमें आपको क्रोम फिनिश भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात की जाए बम्पर्स की, तो ये भी काफी हद तक डिजाइन किए गए हैं, जहाँ पर इसमें आपको कॉर्नर्स पर अपसाइड डाउन या फिर कह लो उल्टे एल शेप के एलईडी डीआरएस देखने को मिल जाएंगे, जो कि टर्न इंडिकेटर की तरह भी वर्क करते हैं, जो कि हमने काफी कुछ पहले जो एक स्पाई इमेज आई थी उसमें भी हमने ये देखा था कि ये टर्न इंडिकेटर की तरह भी वर्क कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि एडम के नीचे इसमें आपको नई सिल्वर प्लेट्स भी दी गई है, जिसकी वजह से इसका डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है और फ्रंट से दिखने में आज भी काफी अग्रेसिव गाड़ी लगती है। सो ओवरऑल फ्रंट में मेन चेंजेस इसके बम्पर और इसके ग्रिल को लेकर किए गए हैं, जिससे कि इसका लुक और भी ज्यादा फ्रेश लग रहा है। आपको कैसा लगा इसका फ्रंट लुक, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। और पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे शुरू से ही फोर्ड इकोस्पोर्ट का डिजाइन काफी बढ़िया लगता है। अब बात की जाए साइड और रियर की, तो यहाँ पर इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट इसमें आपको इसके मिड स्पेक वेरियंट से आपको इसमें नए डिजाइन के ड्यूअल टोन एलॉय व्हील्स यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाएंगे। और इसके ऐसे वेरियंट को छोड़कर इसके बाकी सभी वेरियंट्स में आपको स्पेयर व्हील पर भी नए डिजाइन के एलॉय व्हील्स भी इसमें दिए जाएंगे। अब अगर बात करें इसके इंटीरियर्स की, तो वैसे तो इसके इंटीरियर की इमेजेस अभी तक कोई सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे कि एक फेसलिफ्ट है तो इसके इंटीरियर में आपको कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें आपको नई अपहोल्स्ट्री दी जाएगी और इसमें आपको एक नया बड़ा स्क्रीन साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी जरूर कंपनी ऑफर कर सकती है। बात करें इसमें मिलने वाले पावर ट्रेन और इंजन ऑप्शन की, तो इसमें आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी इसमें आपको जो पहले इंजन ऑप्शन फोर्ड इकोस्पोर्ट में देखने को मिलते थे, जिसमें कि पहला है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, दूसरा है 1.5 लीटर का ही एक पेट्रोल इंजन, उन्हें ही कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अब अगर लास्ट में बात करें इसके फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट की, तो कंपनी ने तो अभी तक कोई भी वैसे ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं की है, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि दिवाली के आसपास इसे कंपनी लॉन्च कर देगी। दोस्तों आपको कैसा लगा इन इमेजेस के अकॉर्डिंग इस फोर्ड इकोस्पोर्ट का नया डिजाइन, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर यहां तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ टाटा बाय बाय, शब खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेटेस्ट कार अपडेट के साथ। टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।